वेलकम टू डीएनपी इंडिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सीवर के पानी में कोरोना वायरस के अंश मिले हैं। यह दावा हैदराबाद में मौजूद सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हालिया रिपोर्ट में किया गया है। भारत के अग्रणी बायोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक सीसीएमबी का कहना है कि इस मामले में किसी खास इलाके के सीवर के पानी के पूरी जांच करने पर संक्रमण के फैलने को लेकर सटीक जानकारी हासिल हो सकती है। बीबीसी ने सीसीएमबी के निदेशक राकेश मिश्रा से कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन यानी प्रकार कोरोना की वैक्सीन और कोरोना वायरस की संक्रमण क्षमता समेत कई मुद्दों पर बात। सीसीएमबी ने अपनी रिसर्च में पाया है कि जिस इलाके में सीवर के पानी का टेस्ट किया गया वहां करीब 6 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। यह आंकड़ा तेलंगाना सरकार के जारी किए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। ऐसे में ये कितना सटीक है? राकेश मिश्रा कहते हैं, नहीं, सरकार के जारी किए गए आंकड़े अलग नहीं हैं। आप देखिए, सरकार ने 24,000 टेस्ट किए जिनमें से 1700 लोगों के नतीजे पॉजिटिव आए हैं। जो टेस्ट किए गए हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो कम सेंसिटिव माने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आरटीपीसीआर टेस्ट का तरीका अपनाया जाता तो टेस्ट का नतीजा शायद 2000 से 2400 तक होता। राकेश मिश्रा कहते हैं कि वो भारत के दूसरे शहरों में भी इसी तरह सीवर के पानी की टेस्टिंग से शहर में कोरोना का असर समझा जा सकता है। नागपुर के NEERI के पास भी सीवर के पानी पर रिसर्च करने की क्षमता है, लेकिन अभी वो इस तरह की रिसर्च नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि देश के बड़े शहरों में इस तरह का सर्वे किया जाए। इस मामले में तकनीक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए हम तैयार हैं। केवल कोरोना वायरस की ही बात नहीं है, किसी और बीमारी के बारे में भी सीवर के पानी से जाना जा सकता है। इस तरह से सस्ते उपायों से ये पता चल सकता है कि किस तरह के विषाणु शहर में हैं, और हम आने वाले वक्त के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन क्या सीवर के पानी में कोरोना वायरस के होने से लोगों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है? इस सवाल पर राकेश मिश्रा कहते हैं कि हमें पानी में वायरस के अंश जरूर मिले हैं, लेकिन वो आरएनए के टूटे हुए टुकड़े हैं। ये कतई संक्रमक नहीं है और इस कारण चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे को फैलता है। आपको बारिश के पानी या फिर सीवर के पानी से डरने की जरूरत नहीं है। अब तक कोरोना वायरस के बारे में जो जानकारी सामने आई है, इसके अनुसार इस वायरस के कई स्ट्रेन यानी प्रकार मौजूद है। इनमें कोई खास स्ट्रेन अधिक घातक बताया जाता है तो कोई कम घातक बताया जाता है। लेकिन क्या सीवर के पानी में वायरस के जिस स्ट्रेन के अंश मिले हैं वो घातक है? इस सवाल पर राकेश मिश्रा यह मानते हैं कि वायरस बार बार म्यूटेट हो रहा है। हालांकि वो कहते हैं उन्होंने इस वायरस पर कई परीक्षण किए हैं और इसकी सीक्वेंसिंग भी देखी है। इस वायरस से जितनी उम्मीद थी ये उतना ही म्यूटेट कर रहा है। सच कहूँ तो ये कम म्यूटेट कर रहा है, लेकिन हर म्यूटेशन घातक नहीं। कई म्यूटेशन को खुद वायरस के लिए ही घातक होते हैं और इस तरह ये हमारे लिए अच्छी खबर है। आमतौर पर ऐसा होता है कि वायरस म्यूटेट करता रहता है और धीरे धीरे इंसान के लिए कम घातक होता जाता है। हालांकि फिलहाल कोरोना वायरस में ये नहीं कहा जा सकता। हमें दक्षिण पूर्व एशिया और खासकर दक्षिण भारत में कोरोना वायरस का A3I स्ट्रेन मिला है जो शायद कमजोर वायरस है। वहीं दुनिया भर में कोरोना का एक और प्रकार A2A देखा जा रहा है। हम कह सकते हैं कि वायरस अधिक खतरनाक नहीं बन रहा बल्कि फिलहाल स्थिर है। अभी तक की जानकारी यहीं तक। डीएनपी इंडिया पर देखते रहिए नई वीडियोस और ताज़ा खबरें सटीक जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नमस्कार।